भाई। नमस्कार भाई। आज यहाँ पे लोग क्यों इकट्ठे हुए? इकट्ठे इसलिए हुए भाई, जो ये तीन कानून है, ये तीन कानून काला है या सफेद है, इसमें काला क्या है? है मैं ये नहीं कहेगा हूँ, आगे नहीं, नहीं, भाई तीन कानूनों में काला क्या है? मैं कहेगा हूँ, बता दूंगा वही आपसे कि ये कानून काला है या पीला है या नीला है। अच्छा, ये जो भी है ये वापिस तब तक नहीं होंगे ना, तब तक यहाँ से हम हटने वाले नहीं है, बैठे रहो, बैठे रहेंगे। ये हमारी मांग सिर्फ यही है सरकार से कि ये वापिस हो, भगो भगो बरसात हो या ठंड हो, हम यही बैठे अब बैठे रहेंगे। राम 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 राम। ठीक ठाक सो? बढ़िया। आज भी मीटिंग क्यों करके कर रहे थे? मीटिंग देश का जो राजा हो पब्लिक ने सब किया करें, अरे मोदी साहब ने सब कम दुखी कर दिया, दुखी कर दिए। हाँ, और ये कानून जो इसने वापस लेने चाहिए ना, आने वाला टाइम में बहुत पछता होगा। ठीक है तो नहीं होगा। राम राम शक्ति साहब। तो आज ये जो मीटिंग है किस लिए हुई? ये जी हम इसलिए मीटिंग करे थे, किसान आंदोलन होते हुए 6 महीने से ऊपर हो गया और ये हमारी बात नहीं मानी जा रही, और जो हमारे किसान भाई शहीद हुए थे इनके बारे में हमने 2 मिनट का मौन दान किया, उनको श्रद्धांजलि दी और उनके घर परिवारों को हम पूरे तय दिल से मदद करने के लिए तैयार हैं। और जो ये राजाहाट जो चला रहे हैं सरकार, आज तक कभी नहीं देखा हमने, इतनी हट नहीं करनी चाहिए, जो जायज हो तो कर ले। ये किसान है, ये देख जो ना गरीब कैसा है, इसको तो जितना मदद देनी चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए। और इनको इधर अभी पेट्रोल का भाव देखो, डीजल का भाव देखो, किसान क्या करेगा, कैसे अपना खेत बाएगा, कैसे ट्रैक्टर चलाएगा, कैसे बच्चों को पालेगा, इनको तो पता ही नहीं लग रहा कैसे, रोजाना 20 पैसे 27 पैसे बढ़ते जा रहे हैं। इस जो आदमी नौकरी कर रहा, जो दिहाड़ी कर रहा, उसका पैसा नहीं बढ़ रहा, ये बताओ ना वो कैसे काम चलाएगा? 2 साल से वो आदमी, वो जवान, वो नौकरी करने वाला उतने पैसे में नौकरी कर रहा जितने पहले थी 2 साल पहले। और ये जो ना महंगाई कितनी बढ़ रही, ये सरकार को नहीं मालूम क्या? तो सरकार क्या मालूम होते और ये कर रही है तो ये जनता उनका जवाब नहीं देगी? वो तो इनको पता है ये अभी कितना लंबा चलेगा। ये तो देखो जी, जब तक नहीं मानेंगे ना तब तक चलेगा, चाहे सदियां बीत जाओ। ये तो प्रण कर रखे है इन्होंने, किसान का वो जो ना ऐसा होता है, ये ठंड मानता नहीं, गर्मी मानता नहीं, बरसात मानता नहीं, क्योंकि इन्होंने तो काम करना है, ये काम करने वाले आदमी हैं, ये काम है, ये इनका ही है, ये करके रहे किसान भी फौज के अंदर है। राम राम। तब आज क्यों करके इकट्ठे हो रहे हो? इकट्ठे नहीं हो रहे हैं भाजी, ये 3 कानून बनाए हैं, ये रद्द होने चाहिए, ना तो ये धरने बैठे रहेंगे और इतना ना मानेंगे, और इतना ये भाव बढ़ा दिया, तेल का, डीजल का, पेट्रोल और ये सिलेंडर सब में बढ़ा दिया। आज किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे? आज हम इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि जो किसानों के 3 पॉइंट हैं उनके लिए, और जो हमारे किसान भाई शहीद हैं उसके मौन धारण के लिए, और इतने टाइम से हम इंतज़ार कर रहे हैं। कल जो मोदी जी सिर्फ वैक्सीन इसी के बारे में, तो कल हमें पूरी उम्मीदें थी कि हमारे किसान भाइयों के ऊपर भी भलाई के लिए कोई ना कोई पॉइंट आएगा, हम इंतज़ार करते रहे। 45 मिनट उसने भाषण दिया, क्या उनका फर्ज नहीं है किसानों के बारे में कुछ बोलना? या हमारे को संतोष जी, हम 6 महीने से ऊपर हो गए, हम बारिश में, गर्मी, ठंड में, हम मानते हैं नहीं किसी चीज़ को, किसानों के बारे में कुछ नहीं, किसानों के बारे में इंतजार करते रहे 45 मिनट। यही हमारा पॉइंट है कि मोदी जी एक बार तो किसानों को, चलो उनमें भी गर्मा गर्मी थी, मेरे हम भाई बड़े किसान भी गर्मी में थे, लेकिन कल हमारे को पूरी उम्मीद थी कि मोदी जी एक बार बोलेंगे किसान भाई आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसान एकता जिंदाबाद।